राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन किए, जिसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और किसानों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब महंगाई के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मंदिर और खेल के मैदान में राजनीति न किए जाने की बात कही। दूसरी ओर उज्जैन के महाकाल मंदिर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 करोड़ की राशि दिए जाने पर राज्यसभा सांसद ने उनका आभार जताया। मंदसौर में भी हमारे देशवासियों के लिए इस मंदिर के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा। मंदिर का कलश मेरी दादी ने 50 साल पूर्व स्वयं आकर स्थापित किया था। ये एक आस्था का स्थान हम सब के लिए और यहाँ दंडवत करना हम अपना जीवन समझते। मेरे मन में एक ही मनोकामना है कि इस कोरोना काल का निपटारा जल्द से जल्द हो, इस पर काबू हम लोग अपने विज्ञान के आधार पर, अपने संयम के आधार पर, नियमों के आधार पर और टीकाकरण के आधार पर जरूर पा पाएंगे।